राम भक्तों पर गोली चलाने वालों के साथ रहना है या राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी के साथ रहना है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश को संसार का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना, पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव। भाइयों बहनों, ये दलित समाज के लिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बातें करी। जब कांग्रेस की सरकार थी, दलित कल्याण के लिए कांग्रेस सरकार का बजट 41,000 करोड़ और नरेंद्र मोदी जी ने 41,000 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 1,65,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी 14 अप्रैल को। भाइयों बहनों, 6 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं। आप लोगों को परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, परिणाम जानना है भाई। देखियो, 5 चरण तक का मेरे पास रिपोर्ट है। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर सरकार बना दी। सरकार बनाने का काम 5 चरण के मतदाताओं ने किया, 6ठे और 7वें ने 400 पार करना है, 400 पार करना। भाइयों बहनों, पर ये भी चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव है। कैमूर वाले मुझे बताए, राम भक्तों पर गोली चलाने वालों के साथ रहना है या राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी के साथ रहना है? यही संकल्प देश भर में हर क्षेत्र में जनता कहती है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, समृद्ध किया, आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त। भाइयों बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश को संसार का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना, तीसरे नंबर का अर्थतंत्र। कैमूर वालों, और अंत में एक नाम बोलता हूं, हंसता मत, हाँ जरा भी मत हंसना, नहीं हंसोगे ना, राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे भाई, कोई नहीं बन सकता, तो एक काहे को इतने मचल रहे। जब पत्रकारों ने इनको पूछा कि भाई आपका प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी कौन है, तो उन्होंने कहा बारी बारी एक एक साल हम लोग बन लेंगे। कैमूर वालों, देश ऐसे चल सकता है क्या? मुझे बताओ, ये बारी बारी प्रधानमंत्री की जो फॉर्मूला है वो पाकिस्तान को जड़बा तोड़ जवाब दे सकती है क्या? अरे जोर से बोलो, दे सकती है? कौन दे सकता है? जोर से बोलो, कौन दे सकता है? आतंकवाद को कौन समाप्त कर सकता है? 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों का भला कौन कर सकता है? नक्सलवाद को कौन समाप्त कर सकता है? चंद्रयान को चंद्रमा पर कौन पहुंचा सकता है? ये मोदी 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 मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन, मैं हूं परवेश खान। आज हम मौजूद हैं सासाराम संसदीय क्षेत्र के जगजीवन स्टेडियम भभुआ में। यहाँ अमित शाह की एक रैली थी और अमित शाह यहाँ उपस्थित हुए थे। बहुत से मुद्दों पे उन्होंने चर्चा किया, 370 और जो है महिला उत्थान के लिए भी बात किया, कई विकास का जो है योजना उन्होंने गिनवाया।